हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे, हम अपना जो पावर है उसके ऊपर बहुत घमंड करते हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, और उस घमंड से हमें बहुत सारा नुकसान होता है। आइए जानते हैं एक छोटा सा स्टोरी से। दो फिशरमैन होंगे, दो डिफरेंट गांव से वो दो फिशरमैन होंगे, वो मछली पकड़ने के लिए गए होंगे। एक जो फिशरमैन था वो थोड़ा पतला टाइप का था और एक थोड़ा हेल्दी टाइप का था। तो जो वो जो पतला टाइप का था वो एक बहुत बड़ा मछली पकड़ लिया और खुश हो गया। ये देख के जो मोटा वाला था, हेल्दी था, उससे वो मछली छीन लिया और वो बोला कि ये मछली मेरा है। जब वो छीन रहा था, वो उसका जो मोटा वाला जो फिशरमैन था उसका वो मछली जो था उसका ये उंगली में वो काट के और फिसल गया पानी में, वो चला गया। ये इसलिए छीना कि वो थोड़ा पावरफुल था, तो घमंड से उसको बोला मारूंगा, डरा के छीन रहा था। तो जब काट दिया, उसमें ब्लीडिंग होना चालू हो गया, तो वो डॉक्टर के पास गया और फर्स्ट एड किया। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख दी और 3 दिन के बाद आने के लिए बोले। तो वो ऐसे ही किया, जाके रेस्ट किया। 3 दिन के बाद जब गया, देखा डॉक्टर ने देखा कि उंगली कैंसर हो गया, तो काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा ही काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने वो फिशरमैन को बताया, तो फिशरमैन क्या बोला, ठीक है काट देते हैं, एक उंगली तो जाएगा, नहीं तो फिर पूरा हाथ ही जाना पड़ेगा पपली। तो उसको काट दिया, काटने के बाद ट्रीटमेंट करके फिर 1 हफ्ते के लिए मेडिसिन दे दिया, बोला 1 हफ्ते के बाद आना। वो जाके 1 हफ्ता रेस्ट किया, फिर 1 हफ्ता जब ख़त्म हुआ फिर आया। जो वो बैंडेज खोला गया, देखा कि और बिगड़ता जा रहा है, ठीक होने से पहले वो बिगड़ता जा रहा है। तो डॉक्टर ने देखने के बाद बोला कि पूरा पपली को काटना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो पूरा हैंड को काटना खराब हो जाएगा। तो फिशरमैन थोड़ा सोचा, फिर काटना तो पड़ेगा ही जिंदा रहने के लिए, तो फिर काट दिया गया और फर्स्ट एड वगैरह कर दिया के बोले कि 1 हफ्ते के बाद आना, डॉक्टर ने बोला। फिर जब 1 हफ्ते के बाद गया, फिर देखा डॉक्टर ने देखा कि उसका तबीयत और जो हाथ का जो सिचुएशन था और ख़राब हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला पूरा यहाँ तो काटना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी कैंसर होने का चांसेस है। तो काटा गया। डॉक्टर उसके बाद बोले कि तुम किसी के साथ शायद कुछ किया है क्या, जो तुम्हारा ठीक होने से वजह से और बिगड़ता जा रहा है, तो जाके उसको ढूंढो, वो कौन है उसको पता करो, उससे पूछो क्या हुआ, वो क्या क्या है। तो ये फिशरमैन को परेशान हो गया, वो समझ गया कि वो मछली जो काटा था उससे छीना था। फिर परेशान होकर वो फिशरमैन को ढूंढा और 2-3 दिन के बाद उसको मिला। तो उसको जाके पूछा कि तुमने क्या किया, कोई टोना जादू कर दिया है क्या, या क्या क्या जो मेरा ये हाथ ही चला गया पूरा, अब तो यहाँ तक चला गया है, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। तो बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मेरे ऊपर पावर दिखाया, तुम्हारा जो पावर था, मैंने भगवान को सिर्फ इतना मांगा कि वो मेरे ऊपर उसका पावर दिखा रहा है, तुम अपना पावर उसके ऊपर थोड़ा दिखा दो। तो भगवान सुन लिए और भगवान का जो पावर है वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया। तो ये स्टोरी से ये सीखने मिलता है, हम जो दूसरे के साथ करते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम कुछ किए, उसका रेट ऑफ रिटर्न होके हमारे साथ आता है। मच्छी से उसका हाथ चला गया, उसी हिसाब से अगर हम पावरफुल है या फिजिकली है या फाइनेंशियली है, तो हम दूसरों को तकलीफ देना नहीं है, उनको सपोर्ट करना। तो भगवान का जो सिस्टम है वो सबके लिए समान है, तो भगवान का सिस्टम से हमें मान के चलना पड़ेगा। तो हमें दुखी होना नहीं है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है कि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है। अगर बुरा कर रहा है, भगवान का सिस्टम उसके लिए है, उसके लिए कौन सा दंड मिलेगा। इसीलिए जो भी इस कर्म में जैसे करते हैं वैसे ही भुगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबको हेल्प कीजिए, किसी को परेशानी मत कीजिए। अगर मेरा स्टोरी आपको अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ नया तरीके से वीडियो चाहिए तो आप मुझे लाइक कमेंट्स में डाल सकते हैं। मेरा ये इंडिविजुअल्स पावर है इसीलिए कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो पावर है उसको पहचानने के लिए मेरा वीडियो है। थैंक यू।